लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एमिली की हालत और भी खराब हो जाती है। एमिली के मुंह के अंदर किसी का हाथ भी दिखाई देता है, इसलिए एमिली का पिता उस बॉक्स को अपने कॉलेज के प्रोफेसर के पास ले जाता है, जहां उसका प्रोफेसर उसे बताता है कि इस पर लिखे शब्द हिब्रू भाषा में है। प्रोफेसर उसे कहता है कि ये बॉक्स बुरी आत्माओं को कैद करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि एमिली ने इस बॉक्स को खोल दिया था, जिस कारण एमिली उस आत्मा के वश में है। इसलिए एमिली का पिता सोती हुई एमिली के पास जाकर हिब्रू बाइबल को पढ़ने लगता है, जिसकी आवाज से एमिली उठ जाती है, और एमिली के देखने भर से ही वो बाइबल दूर जाकर गिरती है। इसलिए ये अब मदद के लिए एक चर्च के फादर के पास जाता है, जहां ये फादर को एमिली के बारे में सब बता देता है। तभी फादर एमिली के पिता से पूछता है कि सबसे पहले इस बॉक्स को किसने ओपन किया था, जिस पर वो एमिली का नाम लेता है। तभी फादर उसे बताता है कि बॉक्स की बुरी आत्मा को एक सच्ची आत्मा की जरूरत थी, उसकी इस जरूरत को एमिली ने उस बॉक्स को ओपन करके पूरा कर दिया है, और उस बुरी आत्मा से पीछा छुड़ाने का बस एक ही रास्ता है कि तुम्हें उसे उसके नाम से पुकार कर उसे इस बॉक्स में जाने के लिए कहना होगा, और जैसे ही वो उस बॉक्स में जाएगा तुम्हें वो बॉक्स वापस लॉक करना होगा। वही रात को जब स्टेफनी किचन में जाती है तो वो वहाँ एमिली को बुरी तरह एक कच्चे मांस के टुकड़े को खाते हुए देखती है। तभी अचानक एमिली स्टेफनी पर अटैक कर देती है। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।